दोस्तों मेरे सामने एक पेशेंट का सीमेन का रिपोर्ट है जिसका स्पर्म काउंट है 18 मिलियन जो कि 15 से ज़्यादा नॉर्मल होता है। एक बार टोटल स्पर्म जो काउंट आ रहा 63 मिलियन जो मोर देन 39 होना चाहिए एक बार में, और उसका रैपिड एक्टिव मोर्टिलिटी 45% है जो कि मोर देन 32 होना चाहिए। तो फ्रॉम WHO गाइडलाइन के हिसाब से अगर किसी मरीज के अंदर एक बार में 7.5 मिलियन मोटाइल स्पर्म निकलने एक बार में तो ये नॉर्मल है। इस पेशेंट का टोटल 63 मिलियन एक बार आ रहे हैं, उसका 45% एक्टिव है, इसका टोटल एक बार में 30 मिलियन स्पर्म आ रहे हैं। तो ये मरीज के अंदर एक बार में जब सीमेन डिस्चार्ज कर रहा तो 30 मिलियन स्पर्म एक्टिव मोटाइल निकल रहे हैं। इसका मतलब कि ये बच्चा होने के लिए फिट है, इवन IUI करने के लिए भी फिट है, लेकिन इनकी जो लेडी डॉक्टर है वो बोली आपका स्पर्म कम है। भाई WHO गाइडलाइन बोलती है कि नॉर्मल फर्टिलिटी यानी प्रेगनेंसी करने के लिए अगर किसी का 15 मिलियन ज़्यादा काउंट है, मोर्टिलिटी मोर देन 32% है और एक बार में मोर देन 7.5 मिलियन एक्टिव मोटाइल स्पर्म निकल रहे हैं तो बच्चा को कोई दिक्कत नहीं होती। जितने मरीजों ऐसे रिपोर्ट होते हैं विद इन 1 ईयर प्रेगनेंसी हो जाती है। पर दुर्भाग्य क्या कि समाज में एवरेज स्पर्म काउंट जो होता है वो होता है 60 मिलियन से लेके 150 मिलियन एवरेज। इसलिए डॉक्टर लोग बोलते तेरा कम है, कितने लैब भी रेंज लिखते 60 से 150 मिलियन। उसको देख के मरीज के अंदर डिप्रेशन होता है कि मेरा स्पर्म काउंट कम है, इस चक्कर में भाई भी बोलते तुम्हारे में कमी है, लड़के कॉन्फिडेंस गिरता जाता है। भाई सवाल है कि बच्चा होने के लिए 7.5 मिलियन एक्टिव मोटाइल स्पर्म जो है तुम्हारे अंदर, जिस तरह से अगर बात बात करें अपने देश में नॉर्मल सामान्य लंबाई की बात करें तो अधिकांश लड़के बॉय की लंबाई 5'6" 5'7" होती है एवरेज, गर्ल्स की हाइट 5'1" 5'2" होती है, बट 5'4" का लड़का भी सफल है, 5'3" का लड़का सफल ही तो कूड़ा है। सेम वे बच्चा होने के 15 मिलियन काउंट हो, मोर्टिलिटी मोर देन 32% हो और मोटाइल वाला 32% एक्टिव हो तो कोई दिक्कत बच्चा होगा आपका, आपको कोई कमी नहीं, आप फिट हो। आप डॉक्टर को दिखाइए कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2010 की रिपोर्ट ये बोलती है तो मैं फिट हूँ। दुर्भाग्य क्या है कि कभी कभी 100 में से 10 कपल के अंदर न कमी हस्बैंड में होती है न कमी वाइफ में होती है, फिर भी प्रेगनेंसी ठहर नहीं पाती है। ऐसे में हम हस्बैंड को ट्रीटमेंट देंगे जिससे स्पर्म काउंट और अच्छा हो जाए, बट वाइफ को भी कुछ दवा दी जाती है जिससे उसकी प्रेगनेंसी चांसेस बढ़े। अगर 6 महीने इलाज के बाद भी बच्चा न ठहरे तो हस्बैंड का स्पर्म लेकर के स्पर्म को सीमेन को वॉश करके और सीधे यूट्रस के अंदर सीलिंग के थ्रू इंजेक्ट किया जाता है, उसे बोलते हैं इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन, जो खर्चा प्राइवेट का 10 खर्चा आता है सरकारी में फ्री होता है। तो इसके द्वारा कभी कभी ऐसा तो यूट्रस के जो बचदानी मुंह के अंदर कुछ केमिकल होते हैं जो स्पर्म को इमोटाइल करके प्रेगनेंसी होने रोकते हैं तो करना पड़ता है। तो आप निश्चिंत रहें, अगर आपका ऐसा रिपोर्ट है तो आपके अंदर कोई कमी नहीं, आप नॉर्मल हो। गायनेकोलॉजिस्ट को बोले कि भाई आप ये WHO रिपोर्ट देखिए प्लीज़, मुझे लो मत कहिए, मेरा कॉन्फिडेंस गिरता है।